अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं 1 साल की बेबी का स्लीवलेस फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये मैं फ्रॉक की घेरी की चौड़ाई ले रही हूँ 29 और मैंने लंबाई ली है 14। ये फ्रॉक की घेरी है, इसको मैंने डबल करके साइड पे कर लेना है। ये शिफॉन का कपड़ा है। अब मैं इसकी पेटी उतारूंगी। पेटी की लंबाई मैंने लेनी है 10 और चौड़ाई मैंने लेनी है 14। पेटी की कटिंग कर ली है। अब मैं जो इसके नीचे स्लिप लगाऊंगी वो मैं पेटी की कपड़े के साथ साथ रख के उसको कटिंग कर लूंगी। पेटी के इस कपड़े को मैंने 1 इंच के फासले से इस तरह रख लिया है। अब मैं तीरा काटूंगी 6 इंच। 6 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं कंधा रखूंगी 6 इंच। 6 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी सीधा निशान ऊपर से नीचे। मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग बिल्कुल इसकी गोलाई में आए। अब मैं थोड़ी सी ऊपर से तीरे की कटिंग कर रही हूँ। ये तिरछी कटिंग होगी। गला अगला पिछला मैंने 3 इंच काटना है। अब थोड़ी सी नीचे से कटिंग करनी है। ये वाली कटिंग करके अब ये सेंटर का निशान लगा रही हूँ। अब मैं पिछली पेटी को दरमियान में से काट रही हूँ। अब अगला गला थोड़ा सा पिछले गले से मैंने गहरा रखना है, उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने घेरी के नीचे लगाने के लिए भी कपड़ा काट लिया है। अब मैं घेरी के नीचे लगाने के लिए कैन का कपड़ा और लॉन का सादा कपड़ा जोड़ रही हूँ आपस में। ये मैंने 6 इंच कैन का कपड़ा लिया है, इसमें मैं चुंटे डाल के लॉन के कपड़े के साथ उसको जोड़ रही हूँ। ये मैं घेरी के नीचे लगाऊंगी ताकि घेरी फूली हुई आए। ये आपकी मर्जी है, ये आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ये लगाने से घेरी अच्छी आती है। ये 2 कपड़े हैं, इनको मैंने जोड़ लिया है। इनकी चौड़ाई तकरीबन 12 इंच है। ये देखें, इनके बीच में मैंने प्लेट्स डाली हैं और इनको जोड़ लिया है आपस में। अब मैं घेरी के नीचे की सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगी। ऊपर से 2 इंच का गैप देना है और जो घेरी का अटल का कपड़ा है उसको इस कपड़े के साथ जोड़ना है। सेंटर के निशान लगा लें तो फिर आसानी से जोड़ सकते हैं। सेंटर के निशान ना लगे हुए हों तो कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। ऊपर से 2 इंच का मैंने गैप देना है और इनको आपस में जोड़ लेना है। अटल के कपड़े में मैं थोड़ी थोड़ी चुनट डालूंगी। साथ साथ चुनट डालती जाएं और इसको जोड़ती जाएं। ये देखें, घेरी तैयार है। इसके साथ मैंने शिफॉन का कपड़ा सबसे ऊपर लगाया है, उसके नीचे अटल है, फिर उसके नीचे कैन का कपड़ा और दूसरा कपड़ा। ये 4 कपड़े हैं। ऊपर वाले कपड़े में देखें थोड़ा सा गैप है। अब मैं जो पेटी का जो फ्रंट वाली साइड है उसके दोनों कपड़ों को आपस में, अटल के कपड़े को और शिफॉन के कपड़े को आपस में बाजुओं वाली साइड से जोड़ रही हूँ। इस तरह जोड़ने से कपड़ा हिलता नहीं है और आसानी से सिलाई हो जाती है। दोनों कंधे मैंने जोड़ लिए। अब मेरे पास ये ऑर्गेन्जा की लेस थी, मैं ये गले के साथ साथ लगाऊंगी।
की बैक साइड है उसको मैं इस तरह से करके दोनों तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। अब उसकी सिलाई लगाने के बाद अब मैं कंधों को आपस में जोड़ूंगी, पेटी का अगला कंधा और पिछला कंधा दोनों। ये मैं गुम सिलाई लगाऊंगी, गुम सिलाई लगाना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कंधे जुड़ गए हैं, ये देखिए कितनी नीट सिलाई आई है, ये गुम सिलाई है कंधों की। कंधे जोड़ने के बाद अब ये मैं कपड़ा काट रही हूँ बाजुओं के साथ लगाने के लिए, ये तिरछा कपड़ा है अटल का मैं काट रही हूँ। ये कपड़ा हमेशा तिरछा काटें, सीधा ना काटें। ये मैं बाजुओं के साथ भी लगाऊंगी और मैं गले के साथ भी लगाऊंगी। ये मैंने अटल का कपड़ा काटा है। अब ये देखिए मैं किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये मैं फ़ोल्ड करती हूँ और ख़ुद ब खुद पाइपिंग बनती जा रही है। कोशिश करें कि इसकी सिलाई बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आए, नीचे उतरी हुई ना आए। ये देखिए कितनी नीट पाइपिंग बनती जा रही है। इसी तरह मैं बाजुओं के साथ भी और गले के साथ भी यही पाइपिंग लगाऊंगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं पेटी और घेरी को जोड़ूंगी आपस में। घेरी के कपड़े के साथ मैं साथ साथ प्लेट्स डालती जाऊंगी। घेरी का कपड़ा मैंने ऊपर रखा है और पेटी मैंने नीचे रखी है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ है। कोशिश करें कि प्लेट्स बिल्कुल फासले पे, एक जैसे फासले पे आएं। अब मैं घेरी के दामन पे लेस लगा रही हूँ। लेस की साइड्स जो हैं वो कोशिश करें कि बिल्कुल कपड़े के बराबर जाएं। अब मैं घेरी और पेटी के दरमियान में जो जगह है वहाँ पे भी ये लेस लगा रही हूँ। रेडी है, आप इसमें मल्टी कलर की चीज़ें भी लगा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।